आज के वीडियो में हम बनाएंगे मिल्क केक। इसे हम सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट से घर पर बड़ी आसानी से बनाएंगे। ये मावा केक एकदम दानेदार और स्वादिष्ट बनकर आता है, साथ ही इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल बाजार जैसा लगता है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। हम शुरू करते हैं ये फ्रेश और दानेदार मावा केक की रेसिपी। मावा केक बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क। इसकी जगह आप पैकेट वाला टोंड मिल्क भी ले सकते हो। इस दूध को हम बॉईल करेंगे, इसलिए गैस का फ्लेम मैंने फुल पर ऑन कर दिया है। हाई फ्लेम पर ही इसमें अच्छा सा बॉईल आने देंगे। यहाँ दूध को मैंने भारी वाली नॉन स्टिक पैन में लिया है। आप इसे किसी भी कढ़ाई में बना सकते हो, लेकिन जो भी कढ़ाई आप ले रहे हो वो भारी वाली होनी चाहिए, क्योंकि पतली वाली पैन में दूध जलने का डर रहता है और एक बार दूध पैन में लग गया तो हमारे मिल्क केक का स्वाद उतना बढ़िया नहीं आता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आप दूध को किसी भी मोटी वाली पैन में चलाते हुए उबालिए, ताकि नीचे से लगे नहीं। थोड़ी देर में ही दूध में एक उबाल आ गया है। अब गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे ताकि दूध पैन से बाहर ना आए। इसी तरह से इसे मीडियम फ्लेम पर उबलने देंगे। दूध को हमें एकदम रिड्यूस करके गाढ़ा करना है। इस तरह से जब इसे हम चलाते हुए उबालते रहेंगे तो दूध का सारा पानी निकल जाएगा और दूध गाढ़ा हो जाएगा। दूध को इसी तरह से चलाकर उबालते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हो दूध पहले से हल्का सा रिड्यूस होकर कम हो गया है, लेकिन अभी भी मैं इसे चलाना छोड़ रही हूँ तो ये पैन के ऊपर आ रहा है। इस स्टेज पर हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर देसी घी। मैंने यहाँ बड़ी चम्मच से डाला है तो सिर्फ 1 ही चम्मच लिया है। अगर आप छोटी चम्मच से ले रहे हो तो 2 चम्मच डाल दीजिए। घी डालने से एक तो दूध उबलकर पैन से बाहर नहीं आएगा और दूसरा जो मावा बनेगा उसका टेक्सचर और कलर एकदम फाइन आएगा। घी को दूध में मैंने बढ़िया से मिला दिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखकर इसे धीरे धीरे उबलने देंगे। इस बीच आप चाहो तो किचन का कोई और काम भी कर सकते हो। दूध गैस पर धीरे धीरे उबलता रहेगा और अब ये पैन से बाहर भी नहीं आएगा। जब तक दूध बॉयल हो रहा है तब तक हम एक बर्तन में घी लगा लेंगे। यहाँ मैं एक टिफिन में घी लगा कर रेडी कर रही हूँ। आप किसी भी बर्तन या केक टिन में भी मावे को सेट कर सकते हो। चारों तरफ घी लगाकर मैंने इसे रेडी कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। इधर लगभग आधा घंटे के बाद देखिए हमारा दूध भी उबल कर आधा हो गया है। मैंने यहाँ 2 लीटर दूध लिया था जो रिड्यूस होकर लगभग 1 लीटर के करीब रह गया है। इसमें हल्का सा गाढ़ापन भी आ गया है और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। अब यहाँ लिया है मैंने चुटकी भर नींबू का फूल, इसे सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। ये किसी भी किराने की स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच पानी और इसे मिला लेंगे। अब गैस का फ्लेम लो करके इसे दूध में चारों तरफ फैला कर डालेंगे। इसे एक जगह पूरा नहीं डालना है, इससे दूध पूरी तरह से फट सकता है। हमें सिर्फ इसमें दाने बनाने हैं, इसलिए ऐसे फैला कर डालेंगे। नींबू के फूल की जगह आप आधा चम्मच नींबू का रस या विनेगर भी डाल सकते हो। इनसे भी मावा दानेदार बनता है। थोड़ी देर मिलाने के बाद देखिए इसमें दाने जैसे बन गए हैं। अब जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता जाएगा वैसे इसमें दाने बनते जाएंगे और मावा एकदम स्वादिष्ट बनेगा। 10 से 15 मिनट मैंने इसे और उबाल लिया है। ये देखिए दूध एकदम रबड़ी जैसा गाढ़ा हो गया है, इसमें बढ़िया दाने आ गए हैं। अब इस स्टेज पर हम मिठास के लिए डालेंगे शक्कर। यहाँ मैंने आधा कप शक्कर ली है। इसे आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा डाल सकते हो। साथ ही फ्लेवर के लिए इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। इन दोनों को मावे में मिक्स कर लेंगे। शक्कर को हमें मावे की इसी स्टेज पर डालना है। इसे शुरुआत में दूध को उबालते समय बिल्कुल भी मत डालिए, क्योंकि दूध के साथ शक्कर जब इतनी देर तक उबलेगी तो इसकी चाशनी बन जाएगी, जिससे हमारा मावा इतना सॉफ्ट नहीं बनेगा। शक्कर को मैंने पूरी तरह से मेल्ट कर लिया है। अब इस मावे में जो गीलापन है इसे इसी तरह से चलाते हुए ड्राई कर लेना है। ये देखिए मावे में अच्छा दरदरापन आया है। इसे इसी तरह से चलाते हुए सेकेंगे, जिससे मावे में बढ़िया सुनहरा सा कलर आ जाए। थोड़ी देर में ही देखिए इसका सारा पानी सूख गया है और एकदम सॉफ्ट और दानेदार मावा बनकर तैयार है। इसका कलर भी एकदम सुंदर सा सुनहरे रंग का आया है
और ये बिल्कुल मार्केट में मिलने वाले मावे जैसा दिख रहा है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और मावे को निकाल लेंगे। जिस बर्तन में हमने घी लगाकर तैयार किया था उसी बर्तन में मैं इसे निकाल रही हूँ। मावे को चारों तरफ फैलाते हुए इसे अच्छे से सेट कर देना है। इसे मैं एयरटाइट कंटेनर में निकाल रही हूँ जिससे मिल्क केक अंदर की गर्माहट से और ब्राउन हो जाएगा। आप चाहें तो इसे किसी कपड़े से भी ढक सकते हो। इसे 15 से 20 मिनट इसी तरह से सेट होने दीजिए। मिल्क केक बढ़िया तरह से सेट हो गया है, इसे हम निकालेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले इसे चारों तरफ से चाकू से निकाल रही हूँ जिससे आसानी से बाहर आ जाए। अब इस तरह से पलटकर इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बर्तन पर हमने घी लगाया था जिससे देखिए मावा बिल्कुल भी नहीं चिपका और बड़ी आसानी से बाहर आ गया है। अब इसे हम बर्फी के शेप में कट कर लेंगे। देखिए बहुत ही सॉफ्ट और दानेदार, मुंह में रखते ही घुल जाने वाला स्वादिष्ट मिल्क केक बनकर तैयार है। ये घर में बना हुआ एकदम ताजा मिल्क केक है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है और मार्केट के मुकाबले ये घर पर ही एकदम कम खर्च में बनकर तैयार हो गया है। तो इस रक्षाबंधन के त्योहार पर आप भी बनाइए ये दानेदार मावा मिल्क केक की रेसिपी और इसे अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए ऐसी ही लाजवाब रेसिपीज के लिए।